स्टूडेंट्स चलिए एक कॉन्सेप्ट टेस्ट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि जब लेबोरेटरी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड MnO2 रिएक्शन करते हैं तो उससे हमें वाटर वेपर्स MnCl2 और क्लोरीन गैस मिलती है, और आपसे पूछा गया है कि अगर 10.95 ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट करता है 8.7 ग्राम ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड से, तो ये बताइए कि कितने ग्राम्स ऑफ क्लोरीन प्रोड्यूस होगा। अब आप इस वीडियो को एक मिनट के लिए पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आई होप आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जब HCl और MnO2 रिएक्शन करते हैं तो उसके लिए बैलेंस रिएक्शन क्या होती है। तो ये है बैलेंस रिएक्शन बिटवीन HCl एंड MnO2। इस इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि 4 मोल HCl रिएक्शन करते हैं 1 मोल MnO2 से, जिससे हमें 2 मोल वाटर, 1 मोल MnCl2 और 1 मोल क्लोरीन गैस मिलती है। अब हम हर कंपाउंड के मोल्स को कैलकुलेट करेंगे। अगर हम HCl के मोल कैलकुलेट करें तो 10.95 ग्राम में 0.3 मोल HCl आता है। ऑन द अदर हैंड 8.7 ग्राम MnO2 में 0.1 मोल MnO2 आता है। अब देखते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड्स और उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो क्या है। तो चलिए HCl और MnO2 के लिए मोल्स एंड स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो निकालते हैं। HCl के लिए हम लिखेंगे 0.3/4, जबकि MnO2 के लिए हम लिखेंगे 0.1/1। तो इस तरह से HCl के लिए जो मोल्स वर्सेस स्टोइकियोमेट्री आएगा वो होगा 0.075, जबकि MnO2 के लिए इसकी वैल्यू आएगी 0.1। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि HCl के लिए जो नंबर ऑफ मोल्स एंड स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो था वो कम है, और इसीलिए इस केमिकल रिएक्शन में जो HCl है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। तो चलिए अब सभी कैलकुलेशंस करते हैं HCl के हिसाब से, यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से। हम जानते हैं कि 4 मोल जो HCl है वो 1 मोल Cl2 प्रोड्यूस करता है अकॉर्डिंग टू केमिकल रिएक्शन। तो इसीलिए जो 0.3 मोल ऑफ HCl होंगे वो प्रोड्यूस करेंगे 0.3/4 × 1, यानी कि 0.075 मोल्स ऑफ Cl2। अगर हम मास की बात करें तो हम क्लोरीन गैस का जो मास है वो कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स को उसके मोलर मास से कैलकुलेट करके। क्लोरीन गैस का जो मोलर मास होता है वो होता है 71 ग्राम पर मोल। तो इसलिए हम लिख सकते हैं 0.075 × 71, जिसकी वैल्यू आती है 5.325 ग्राम। ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैलकुलेशंस हम ये कह सकते हैं कि इस रिएक्शन में 5.325 ग्राम क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगी। स्टूडेंट्स आपने इस टॉपिक में जो भी कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं उसकी समरी को यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि हमने इस टॉपिक में पढ़ा कि स्टोइकियोमेट्री क्या होता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, और उनके आधार पर हम स्टोइकियोमेट्रिक ऑब्जर्वेशंस कैसे कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने सीखा कि हिट एंड ट्रायल मेथड से किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है, और हमने जाना कि किसी केमिकल रिएक्शन में एक लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, और लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से हम प्रोडक्ट की यील्ड को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आप इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस हैं NCERT के एक्सरसाइज क्वेश्चंस और अवंती वर्कबुक के यहाँ पर मेंशन किए हुए क्वेश्चंस।